राष्ट्रीय लोक अदालत में रेवेन्यू मामलों को भी शामिल किया गया है। ऐसे में आज राष्ट्रीय लोक अदालत की जिलाध्यक्ष और अजमेर न्यायालय के न्यायाधीश मदन लाल भाटी के निर्देशन में जिले के तमाम रेवेन्यू अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की गई और उनसे फीडबैक लिया गया। इन मामलों को किस तरह से निस्तारित किया जा सकता है व किस तरह के मामले इसमें शामिल होंगे, इस मौके पर अजमेर कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अन्य पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे, जिनसे भी लोग राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल रेवेन्यू मामलों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही आगामी दिनों में होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा मामले रखकर उनका निस्तारण किया जा सके, इस पर भी विचार विमर्श किया गया। जैसा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में रेवेन्यू मामलों को भी शामिल किया गया है, उस संबंध में आज अजमेर ज़िले के रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और हेडक्वार्टर पर पदस्थापित अधिकारी हैं, उनकी फिजिकल रूप से माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा मीटिंग ली जा रही है और उनके द्वारा निपटाए जाने वाले प्रकरणों का फीडबैक लिया जा रहा है। आज की इस मीटिंग में जिला कलेक्टर महोदय, राजस्व अपील अधिकारी, SDM, तहसीलदार, रेवेन्यू मैटर्स को देखने वाले समस्त अधिकारीगण हैं। सर, राष्ट्रीय लोक अदालत है, कितने मामले इस बार अब की बार राष्ट्रीय लोक अदालत को बड़े व्यापक रूप से लिया गया है और निश्चित तौर से पहले से कई ज़्यादा मुकदमे लिए जाएंगे। अभी निश्चित आंकड़े संकलित नहीं किए गए हैं, अगले सप्ताह में पूरे आंकड़े संकलित होने के पश्चात आपको बताएंगे। ये अगले हफ्ते में ट्यूसडे और वेडनेसडे के साथ शुरू हो जाएगी।